फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट किया था और तब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए किया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस जितना भी टाइम हो जाए आपकी कार या आपकी बाइक सेम स्पीड से चल रही है हर बार स्ट्रेट रोड पर, सीधी सड़क पर बिल्कुल बिना स्पीड में किसी चेंज के वो चलती चली जा रही है, तो उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को या उस मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होती है, अगर आप एक बिजी रोड पर जा रहे हो, भीड़ वाली रोड पर जा रहे हो, तो कभी आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी आपको अपनी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वैसी मोशन के लिए किस टाइप का ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आज की वीडियो में हम वो समझेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी लिया है, ठीक है। मान लो आप जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो आप, ठीक है। तो एक तो जो ड्राइवर है, यानी कि ड्राइवर जो भी आपके साथ वाला है या ड्राइवर है, वो तो गाड़ी को चला रहा है, लेकिन आप हर 5 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड नोट कर रहे हो, वेलोसिटी नोट कर रहे हो। और गाड़ी की वेलोसिटी कहाँ से नोट होती है आपको पता है, गाड़ी में जो मैंने आपको ओडोमीटर दिखाया था एक बार, जहाँ पर कि डिस्टेंस लिखी हुई आती है, ओडोमीटर जो कार ने या बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है टोटल वो बताता है। तो ऐसे ही स्पीडोमीटर होता है जो इस तरह से बना हुआ होता है उसमें, और आपका ऐसे ये उस पर एरो आता है कि जैसे स्पीड लिखी है 20, 30, 40, इस तरह से स्पीड लिखी हुई है, ठीक है। तो वो एरो आपको बता देता है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है हर टाइम पर। तो ये होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर बना होता है ओडोमीटर जिस पर कि डिस्टेंस लिखी हुई आती है नंबर्स में। तो वो जो पर्सन है साथ में बैठा हुआ है, एक तो ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, लेकिन जो साथ में पर्सन बैठा है वो हर 5 सेकंड के बाद स्टॉप वॉच ऑन कर रही है, रखी है, और वेलोसिटी नोट कर रहा है। तो वो वेलोसिटी मान लो हमने यहाँ पर नोट कर ली, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है 0 टाइम, तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बताऊँगी कि टाइम 0 का मतलब है जब आपने वो नोट करना शुरू किया है, ठीक है। उस टाइम पर वेलोसिटी भी हम 0 ही मान लेते हैं, हमें नहीं पता क्या थी। या आप यहाँ पर जब आपने गाड़ी स्टार्ट की वो भी लेकर चल सकते हो, जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तो टाइम 0 था, और उस टाइम पर तो गाड़ी स्टार्ट की थी यानी कि उससे पहले रुकी हुई थी, तो उसकी वेलोसिटी 0, वेग उसका 0, ठीक है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया 9 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि टाइम की यूनिट्स मैंने सेकेंड ली हैं और वेलोसिटी की यूनिट्स मीटर पर सेकेंड ली हैं, ठीक है। 5 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकंड। फिर और 5 सेकंड चले गए यानी कि टोटल 10 सेकंड हो गए, और स्पीड हो गई 18 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट और 5 सेकंड के बाद स्पीड 27 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड पर स्पीड इज 36 मीटर पर सेकंड। आप अगर देखोगे ना ध्यान से, तो इन दोनों स्पीड में वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है, 9 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 9 और 0 और 9 में 9 का 9 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 9 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 9 मीटर पर सेकंड, जैसे हम डिस्टेंस का करते थे ना बिल्कुल उसी तरह से ही। तो हर बार जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पर बढ़ रही है वेलोसिटी, पहले 0 फिर 9 फिर 18 फिर 27, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हुई ना। जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और यहाँ जो वेलोसिटी में चेंज है वो हर बार इक्वल चेंज है, हर बार जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वो 9 मीटर पर सेकंड की है, इसलिए ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें आप यूनिफॉर्मली और ऐड कर लो, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, हिंदी में हम इसको कहेंगे एक समान त्वरित गति, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिल्कुल उसी तरह से ही प्रोसीजर है ग्राफ बनाने का भी, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था कि इस तरफ हमने टाइम लिया है, ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है सेकंड में, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिया है मीटर पर सेकंड में। जो भी आपको यहाँ डाटा दिया हुआ है आपको उसको यूज़ करके ग्राफ बनाना है। 0 पर वेलोसिटी थी 0 टाइम पर, 5 सेकंड पर वेलोसिटी थी 9, तो आप अगर एक ग्राफ यूज़ करोगे तो ये पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से आपके लगाए जाएंगे। तो 5 पर ये 9 है, मैंने अप्रोक्सीमेटली लगा दिया इसको। 10 पर वेलोसिटी 18 है, तो ये 20 है यहाँ पर, तो मैंने 18 को यहाँ ले लिया है थोड़ा सा नीचे, तो ये 18 का मैंने पॉइंट लगा दिया। 15
15 पर वेलोसिटी हो गई 27, 20 पर वेलोसिटी हो गई 36, इस तरह से 25 पर 54। तो जब ये पॉइंट्स मैंने लगा लिए उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया और हमारा ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा आया, स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन ये ग्राफ हमारा जो हमने पहले वाला ग्राफ किया था, पिछली वीडियो में जो हमने ग्राफ किया था, ये ग्राफ उस ग्राफ से अलग है, क्योंकि हमारा वो ग्राफ तो इस टाइप का था जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल था। ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ था, ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ जो ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, लेकिन वो सीधी रेखा कहाँ से निकल रही है? ओरिजिन से। ग्राफ में हम इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं ना, तो ओरिजिन से निकलने वाली सीधी रेखा एक ग्राफ हमारा आएगा किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ये अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, और हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कितना होता है। और ऐसे ही अभी हम आगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे उसके लिए कैसा होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने ये ग्राफ पढ़ लिया, लेकिन अब हम दोबारा से बिल्कुल वैसा ही देखेंगे कि अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पता करना है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में हमारी कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम क्या करेंगे? हमें ये यहाँ पर देखो, हमें टाइम लेना है 10 सेकंड और 25 सेकंड, 10 सेकंड और 25 सेकंड के बीच में हमारी कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, कितनी डिस्टेंस वो चल ली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 10 से लेकर ये जो हमारा 10 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ से हम एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लेंगे और हमें पता है ये कहाँ मिलेगी, 18 पर। ठीक है, और ऐसे ही 25 से हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और वो कहाँ मिलेगी, 45 पर। तो हम देखेंगे, अब हम ये जो हमारा इसके नीचे जो ग्राफ आएगा इन दोनों पॉइंट्स के नीचे का, ये जो इसके नीचे का एरिया है, ये एरिया हमें बताएगा कि कितने डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में 10 सेकंड और 25 सेकंड के बीच में कितने डिस्टेंस हमारी कार ने चली थी। ठीक है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारा क्या बताता है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी बताती है वेलोसिटी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है इसलिए ये तो बताएगी वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन है नीचे वाली, ये बताएगी टाइम, और हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में 10 और 25 के बीच में जो इस एरिया का, जो इस ग्राफ का एरिया आएगा इसके नीचे का, वो हमें डिस्टेंस बताएगा कि 10 सेकंड से 25 सेकंड के बीच में कितने डिस्टेंस हमारी कार ने कवर की। तो अब हम इसको देखते हैं, आप देख रहे हो कि ये किस टाइप की एक एरिया निकालने के फॉर्मूले आपको आते होंगे, अच्छे से मैथ में आपने किए होंगे। ये जो आकृति है, ये आकृति किस टाइप की है, आपने इसको पढ़ा होगा वैसे हिंदी में, इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट इसको इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? इसका एरिया सिंपल अगर आप निकालना चाहते हो, उसके लिए एक मेथड ये है कि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आप ये आपकी जो लाइन है ना नीचे वाली, इसके पैरेलल आपने ये एक लाइन ड्रॉ की, आपका ये क्या बन जाएगा नीचे वाला एरिया, ये बन गया रेक्टेंगल और ये बन गया एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये है समकोण त्रिभुज और ये है हमारी आयत। तो आप इन दोनों का अलग अलग निकाल लो एरिया, और आपका इससे पूरा एरिया यहाँ से निकल आएगा। अगर आपको इस टाइप की कोई आकृति दी हुई है, तो इसका एरिया निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो नीचे वाली लाइन है, इसके समानांतर एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दो आकृतियाँ बन गई, एक ये आकृति बन गई, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और एक ये नीचे वाली आकृति बन गई, ये है आयत। तो आपको इस पूरी आकृति का एरिया निकालने के लिए इन दो आकृतियों के एरिया निकाल कर उनको जोड़ देना है। तो बिल्कुल सेम हम यहाँ पर करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। और आपको फॉर्मूले पता होंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ
मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और ये कितना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, रेक्टेंगल की ये वाला पार्ट कितना है, आप यहाँ से देखो, इसको यहाँ मिला दो, तो ये कितना है, 18 दिया है, ये 18 है। और ये कितनी है लेंथ, 10 से 25 के बीच में कितना हो गया, 15 सेकंड। तो हमारी ये लेंथ है 15 सेकंड और ब्रेथ है हमारी 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप इसका हम एरिया निकालेंगे, तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि एरिया ऑफ, हमने इनको यहाँ पर पॉइंट्स भी दे दिए, ए ये है, ए बी सी डी, ये ए है, ऊपर वाला पॉइंट हमारा बी है, ये नीचे सी और यहाँ डी। ए बी सी डी का एरिया मतलब इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ए ई बी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है एल इन टू बी होता है, और ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू आधार गुना लंब, ठीक है। तो हम एक एक करके इन दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए सी डी ई जो कि रेक्टेंगल है, ये नीचे वाला पार्ट ए, ये ए है हमारा सी डी ई, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। ए सी मल्टीप्लाई सी डी, आपको साथ साथ देखना है, ए सी मल्टीप्लाई सी डी, ठीक है, यही है लेंथ और ब्रेथ। और ए सी कितना है, हमने अभी देखा 18 मीटर पर सेकंड, और सी डी कितना है हमारा 15 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आ जाता है 270 मीटर। अब आप सोचोगे कि एरिया है तो मीटर में कैसे आ गया, क्योंकि हमारा जो ए सी है, ए सी क्या है हमारा, आप इसको ऊपर से देखो, ए सी क्या है, ए सी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, और सी डी क्या है, सी डी है टाइम, टाइम है सेकंड में। तो जब हम ए सी को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगी, इसलिए ए सी जो मीटर पर सेकंड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, तो ये मीटर आ जाएगा हमारा, इसलिए एरिया ऑफ ए सी डी ई इज 270 मीटर। इसके बाद हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर जो आधार है उसका वो है ए ई और लंब है बी ई। अब ए ई कितना है और बी ई कितना है, ये हम देखते हैं। अब यहाँ से देखो, ए ई, ए ई कितना है, जितना कि सी डी है, और सी डी कितना है 15, और बी ई, बी ई कितना है, हमें डी बी पता है, ये पूरा डी बी कितना है 45, और 45 में से आप इसको माइनस कर दो, और ये कितना था 18, ठीक है, 45 में से आप 18 को माइनस कर दो, तो ये हमारा बी ई आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट करनी है, 1/2 इंटू 15 इंटू 27, एंड आंसर इज़ 202.5 मीटर। अब हमारे पास रेक्टेंगल का भी एरिया आ गया और ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, उन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इट इज़ इक्वल टू 472.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच आपने कितने डिस्टेंस कवर की है वो पता लगाना है, तो हम एरिया से फाइंड कर सकते हैं, उस ग्राफ से एरिया निकाल कर, उस उन दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया था ग्राफ के नीचे का, वो निकाल कर हम डिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आता है कि जो ग्राफ के नीचे का एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उससे हमें कौन सी क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, तो हमने सीखा उससे हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ। अब हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो ये हमने देखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसा ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप देखो, ये जो ग्राफ है ना, दो टाइप के ये हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है, नीचे वाला, सॉरी, नीचे वाला जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है,
और ऊपर वाला भी उसी तरह का ही है, लेकिन वो है एक स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, वो हम यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऊपर वाला है वो शोज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, अब आप ये, आपको ये तो पता है कि जब आप कार में जा रहे हो, आपने कार स्टार्ट की, तो धीरे धीरे आपकी कार की वेलोसिटी यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है। लेकिन जब आपने कार रोकनी होती है तो क्या होता है, तो आपकी जो स्पीड, आप ब्रेक लगाते हो तो धीरे 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 वो स्पीड कम होती है और आकर लास्ट में ज़ीरो हो जाती है। तो वहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है आपकी टाइम के साथ। जब आप कार स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो तो धीरे धीरे कार की स्पीड कम हो जाती है। और ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा उसी का ही ग्राफ है कि जब आपकी कम हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ। आप देखो टाइम बढ़ रहा है, इधर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और वेलोसिटी देखो कम हो रही है। पहले थी 20, उसके बाद कम हो गई, ये लगभग आप लगा लो कि 16 है। ठीक है, ये हो गई हमारी 14, फिर 10 हो गई, तो कम होती चली जा रही है और लास्ट में आकर ज़ीरो हो जाती है और वो कार जो है हमारी वो रुक जाती है। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो ऐसा ग्राफ आता है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम इसको वैसे एक्चुअल में नहीं करें कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है ना वो बिल्कुल सीधी लाइन है, एक ठीक है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है। डिसेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। जब स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको तो एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहते हैं हम, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्चुअली उसको एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी कम होती है धीरे धीरे तो उसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये डिसेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, डिसेलरेटेड मोशन। ठीक है, और ये ज़्यादातर कब होता है, या तो आपकी गाड़ी भीड़ में फंस गई तो आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है, और या फिर जब आपने रोकनी है, आप अपने जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ पहुँच गए तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो जो ग्राफ है, अगर आपकी जो वेलोसिटी है कम हो रही है वो बराबर बराबर कम हो रही है, जैसे पहले थी 27 थी, फिर 18 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 0 हो गई, तो वो यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन होगी। लेकिन अगर वो अनइवन है, कभी कितनी कम हो गई, कभी कितनी कम हो गई, तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन होगी। तो इसी तरह से ही अब हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ देखते हैं, वो इस टाइप का होता है। तो इसका ग्राफ ना कैसे भी आ सकता है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सिर्फ कैसा भी कर्व हो सकता है, जैसा आपको ये दिखाया हुआ है ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा इस टाइप का ग्राफ है ना, तो आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है, किसी भी तरह का ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, या ग्राफ हमारा इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी तरह से ग्राफ हो सकता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो करता है। और यहाँ भी आप अगर दो टाइम इंटरवल के बीच में डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहते हो तो बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकते हो। जैसे आपको मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, तो आप इसका एरिया निकालो ये, ठीक है, और वो आपको डिस्टेंस बता देगा आपने कितने डिस्टेंस यहाँ से ट्रैवल किया है। लेकिन अगर आपको ऐसे निकालना है ना यहाँ पर कि आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का निकालना है, तो आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह से, इसका एरिया आएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा इसका मेथड, लेकिन निकालना तब भी ये एरिया है आपको। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस हम लगभग सभी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आपने कल की और जो पिछली वीडियो थी वो, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो,
और जो ये आज की यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वीडियोस में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो सभी इन क्वेश्चंस में आप आसानी से आप आंसर्स इनके बता सकते हो। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो आप एकदम से बनाओ इसको, यहाँ टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस। यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रही है, पहले इतनी थी फिर इतनी हुई फिर इतनी हुई, तो वो ऐसा ग्राफ आएगा जीरो से निकलता हुआ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका कैसा होगा, मैंने आपको बताया था कि कर्व होगा, कैसा भी कर्व हो सकता है। तो इसको आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजन एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये आपका बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपको करवाया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और वो मैंने आपको बताया था कि वो ऐसा ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट जो आपका ग्राफ जो है अगर ऐसा है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस ये होता है, अगर इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, यहाँ डिस्टेंस होती है ना, तो इस टाइम पर भी डिस्टेंस इतनी थी, इस पर भी डिस्टेंस इतनी है, इस पर भी डिस्टेंस इतनी है, हर बार डिस्टेंस उतनी ही है, मतलब ऑब्जेक्ट रुकी हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि इस टाइप का ग्राफ हमें क्या बताता है, दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों सेम चीज है, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हमने किया है आज, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। जो आपको मैंने कल वीडियो करवाई थी, इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन किया था। तो अगर एक हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, और आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि इस टाइम पर वेलोसिटी इतनी थी, इस पर भी वेलोसिटी इतनी है, इस पर भी इतनी है, यानी कि हर टाइम वेलोसिटी सेम है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आ जाता है, और ये भी आपको बताया कि ये एरिया क्या बताता है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी मोशन की, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्टडी किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्टडी किया, डिफरेंट टाइप की मोशंस के लिए हमने सभी ग्राफ्स अच्छे से स्टडी किए।